हाय गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना क्लासिक व्हाइट सॉस क्रीमी पास्ता और पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको कौन सी सॉस पसंद है। और रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन जिसमें मैंने डाला है पानी, नमक और अपना पेने पास्ता। आप कोई सा पास्ता यूज कर सकते हो। ऊपर से मैंने ड्रिजल करा है थोड़ा ऑयल और इसको हम बॉईल करने रख देंगे अलदांते होने तक। अब मैं इसका थोड़ा से बॉइल्ड वाटर ना अलग से निकाल के रख रही हूँ। ये वाला सीक्रेट ना मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, लेकिन निकाल दो अभी के लिए। फिर हमें ना अपने सारे वेजीज को चूज करना है। आप कोई सी भी वेजीज यूज कर सकते हो, सब कुछ ऑप्शनल है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा हेल्दी पास्ता बनाने का ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रोकली ली है, कॉर्न्स लिए हैं, गार्लिक लिया है, अनियंस भी लिए हैं और मैंने फटाफट से ना इन सबको छोटे छोटे चॉप कर लिया है। फिर मैं इनको थोड़ा सा सौते करने वाली हूँ, तो मैंने एक पैन लिया है। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा बटर। बटर मैंने सनड्राई टमेटो बटर लिया। आप कोई सा भी बटर ले सकते हो। आप हर्ब्स वाला बटर भी लोगे ना तो बहुत डिलिशियस टेस्ट आता है उससे, तो और एनहांस हो जाता है पूरा टेस्ट। यहाँ पे ना बटर को ना मैं थोड़ा सा मेल्ट नहीं करूंगी, मेरे को सौते करने ना वेजीज, तो मैं थोड़ा सा बर्न्ड बटर लूंगी, जैसे सिजल वाला आएगा ना, जैसे ये हो रहा है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अपने सारे वेजीज को डाल दूंगी, ब्रोकली, कॉर्न्स और मेरे यहाँ पर गार्लिक और अनियंस भी डलने वाले हैं। इन सबको मैं थोड़ा सा अच्छे से सौते करूंगी। इसका 80% क्रिस्पनेस खत्म हो जानी चाहिए, तब तक सौते करूंगी। मेरे को ना वैसे क्रिस्प वेजीज भी पसंद है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि सौते कर लेते हैं। अब ना सॉस बनाने के लिए मैंने फिर से एक नया पैन लिया है और यहाँ पे मैं वही बटर यूज कर रही हूँ, सनड्राई टमेटो वाला। आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। और इस बार ना हम इसको जलाने नहीं वाले हैं बटर को, बस मेल्ट करना है थोड़ा सा। और उसमें मैंने डाला है ऑल पर्पज फ्लावर, जो हमारा मैदा होता है। आप आटा भी डाल सकते हो, सेम ही फ्लेवर आता है। फिर आपको अच्छे से इसे स्टर करना है, मिक्स करना है, कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि थोड़ा ब्राउन एंड कलर नहीं हो जाता। अगर आप आटा यूज करोगे ना तो उसको भी थोड़ा ब्राउन एंड कलर कर लेना। और बस थोड़ा सा स्टर करने के बाद हम इसमें अपना मिल्क ऐड करेंगे। अगर आप मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप वाटर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि मैं थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ तो मैंने मिल्क यूज़ करा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए तब तक मिक्स करना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है इस सॉस को थोड़ा थिक बनाना, तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारी सॉस अच्छे से कुक होके थोड़ा थिक हो गई, तो मैं यहाँ पे अपने मसाले डाल रही हूँ, जहाँ पे मैंने काली मिर्च, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है। अब मैं इसको मिक्स करने से पहले ना यहाँ पे अपने सौते वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, जो भी मैंने सौते कर रहे थे ना वेजीज, वही डाल रही हूँ। आप क्रिस्प भी डाल सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बट मैं यहाँ पे थोड़े सौते करके डाल रही हूँ। अब इसको कुक होने देंगे और जब सॉस कुक होके अच्छे से थिक हो जाएगी ना, तब हम अपना ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो है हमारा ये बॉइल्ड वाटर, पास्ता का बॉइल्ड वाटर, जो हमने स्टार्टिंग में अलग से रखा था ना, वही है। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर से कुक होने देंगे। फिर यहाँ पे मैंने अपना बॉइल्ड पास्ता ऐड करा है और यहाँ पे हमारा व्हाइट सॉस पास्ता ना बिल्कुल रेडी है। अगर आपको व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है ना, तो आप यहीं पे रुक सकते हो और इंजॉय कर सकते हो अपना पास्ता। और ये कितना क्रीमी और सॉसी लग रहा है। इसमें ना आप चीज भी ऐड कर सकते हो, उससे भी फ्लेवर बहुत इनहांस हो जाता है। बट मैं हेल्दी बनाने की कोशिश करे जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें चीज अवॉइड कर रही हूँ। और ये बहुत डिलिशियस बना था। फिर मैं ना आपको और रेसिपीज बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बेसिल पेस्ट तो ऐड करेंगे ना, तो आपका पास्ता ग्रीन कलर का हो जाएगा। या फिर हम रेड पेस्ट तो ऐड करेंगे, तो आपका पास्ता रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ना पिज्जा पास्ता सॉस या फिर कोई भी सॉस यूज करोगे ना, तो आपका पास्ता पिंक हो जाएगा। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस बता दिए, अब तो लाइक कर दो यार वीडियो को। मैंने ना यहाँ पर हेल्दी रेसिपी शेयर करनी है, तो मैंने क्या करा है कि बीटरूट को काट के एक वार्म वाटर में रखा और पूरा पिंक कलर निकलने दिया। फिर मैंने उस पिंक कलर को अपने पास्ता में ऐड करा, जिससे कि मेरा पास्ता पिंक कलर का हो जाए और काफी हेल्दी भी रहेगा और डिलिशियस तो था ही था। आप इस रेसिपी को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और ट्राई करना और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।